हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापारिक चक्र, बिजनेस साइकिल, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो वो जो बिजनेस साइकिल होता है, ये क्या है? फ्लक्चुएशन है जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके चारों ओर जो भी लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट है, तो उसके चारों ओर जो चक्र है, आसपास का जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। तो हिंदी में देखें तो एक व्यापार चक्र सकल घरेलू उत्पाद में दीर्घकालीन प्राकृतिक विकास दर के आसपास उतार चढ़ाव का एक चक्र है। कि भाई जो भी लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट है उसके आसपास जो फ्लक्चुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो इसमें एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, पहले एक्सपेंशन है, फिर पीक है, फिर रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, फिर ट्रफ है, फिर रिकवरी है, फिर दोबारा से वही जो है, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जो नीरज पब्लिकेशन है इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है। अगर आप 500 से ज़्यादा की बुक्स परचेज करते हैं तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मींस अगर आपने 600 की बुक्स खरीदी है तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा? 50% मतलब 300 की वो बुक्स आपको पड़ेंगी। और साथ साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप मेरा जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन यूज़ करते हैं SC2023, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट करके भी दिया गया है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला स्टेज है हमारा बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्तार। तो नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सब में यहाँ पे क्या होगा, सब में यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज होगा। तो यह एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये, हम देखें यहाँ पे इंक्रीज होगा, चाहे वो रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई, गुड्स, जो भी गुड और सर्विसेज की है। जो यहाँ पे डेटर्स होंगे वो अपने जो डेब्ट्स हैं, भाई जो भी उन पर कर्जा है वो टाइम पे कर पाएंगे। वेलोसिटी जो मनी है सप्लाई की वो हाई होगी, इन्वेस्टमेंट भी सब चीज यहाँ पे हाई होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक फेवरेबल कंडीशन है इकोनॉमी के लिए। अब बात आती है पीक की, तो एक यहाँ पे क्या है अपने जो है सेचुरेशन पॉइंट पे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो पहुंच जाती है, या पीक पे हम बोले। तो ये सेकंड स्टेज है बिजनेस साइकिल का, यहाँ मैक्सिमम लिमिट जो है ग्रोथ की वो अटेन की, भाई इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती इकोनॉमी की, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पहुंच जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ प्राइसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं। तो यहाँ पे अब जो होती है जो स्टेज मार्क करता है, रिवर्सल पॉइंट है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, भाई प्राइस हाई हो गए तो अपना जो बजट है दोबारा से रीस्ट्रक्चर करता है प्राइसेस के हिसाब से। अब इसके बाद जो आता है पीक के बाद रिसेशन आता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो डिमांड, भाई प्राइसेस हाई थे पीक वाले केस में, जब पीक पे था, तो यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोगों की इनकम इतनी नहीं है, तो प्राइसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ने नोटिस नहीं कराया कि वो जो उसकी डिक्रीज हो रही है किसमें, डिमांड में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो अपना प्रोडक्शन करे जा रहा है, तो प्रोडक्शन करे जा रहा है, डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है, उसने ये चीज़ नोटिस नहीं करी। तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट के अंदर। जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइसेस क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है, चाहे वो इनकम हो, भाई जब डिमांड ही नहीं हो रही, उसकी सेल ही नहीं होगी, तो वो इनकम क्या होने लगेगी? भाई जो भी उसके लेबर हैं उनकी इनकम क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। आउटपुट, वेजेस सब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। फिर बात आती है डिप्रेशन की, रिसेशन आ गया, उसके बाद डिप्रेशन आ गया, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। भाई जब चीज़ों की डिमांड ही नहीं हो रही, उनका सेल ही नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी कि जो जिन्हें रखा हुआ लेबर्स को उनको निकालना स्टार्ट कर दिया जाएगा नौकरी से। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस रहेगी, डिक्लाइन होती रहेगी, ठीक है, और वो स्टेडी ग्रोथ लाइन के भी नीचे चली जाएगी, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात आती है ट्रफ की, तो इस केस जो ये डिप्रेशन के स्टेज में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो गई है। अब ट्रफ के केस में अगर आप डायग्राम के देखें, डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन और ये ट्रफ। तो ट्रफ के केस में क्या है, यहाँ पे भी जो है प्राइसेस और जो जितने भी फैक्टर्स हैं, डिमांड सप्लाई सब के डिक्लाइन होने लगते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है इकोनॉमी, ठीक है, ट्रफ के बाद। तो जो नेगेटिव सेचुरेशन पॉइंट है इकोनॉमी का वो होता है ये, या अब यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय आय है और जो हमारे खर्चे हैं वो सब कम होने लगते हैं। अब जब सब चीज़, अब हम सबसे नीचे नेगेटिव पॉइंट पर पहुँच गए हैं, तो अब की बात आती है रिकवरी की। अब धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो रिकवर होगी, ठीक है, ट्रफ के बाद जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रिकवर होगी, ठीक है। जो इकोनॉमी में
जो नेगेटिव ग्रोथ है उससे थोड़ा आगे बढ़ेगी, डिमांड थोड़ा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी किसकी किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो लोगों के लोगों को लगे हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा, जो पैसे हैं उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम हो गए हैं, भाई उनकी इनकम तो नहीं बढ़ी, प्राइसेस कम हो गए उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज होएगी जब डिमांड बढ़ेगी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके से जो बिजनेस साइकिल है वो काम करता है। फिर रिकवरी के बाद ठीक है, फिर वही बूम वाली स्टेज आएगी, तो इसी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इकोनॉमी के अंदर होता रहता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, हाँ ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।